नमस्कार सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है कोर्ट केस में जीत की संभावना। आइए करते हैं विश्लेषण कि यदि हमें किसी कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ रहा है, कोई केस चल रहा है, वो हमारे फेवर में आएगा या नहीं, ये हमारी हथेली से मालूम पड़ जाता है। कुछ संजोग बनते हैं जो इशारा करते हैं। आइए देखते हैं उन्हीं संजोग के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात, यदि कोर्ट कचहरी चल रही है तो सबसे पहले पहुंचिए अपनी माइंड लाइन, ये आपकी माइंड लाइन या आपकी लाइफ लाइन, इन दोनों के बीच जहाँ शुरुआत हो रही है और दोनों हट रही हैं, इस रेड सर्कल के अंदर जहाँ छोटा सा एक क्रॉस है, यह क्रॉस यह दर्शाता है कि जातक को कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ेगा। यहीं पर एक संभावना बनती है कि केस में विजय होगी या नहीं। देखिए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन काट रही है वो राहु रेखा है और जो ऑफशूट वर्टिकल जा रहा है, अगर वो ऑफशूट माइंड लाइन को काटते हुए किसी पर्वत पर पहुंच जाए तो आपको जीत अवश्य मिलेगी कोर्ट कचहरी केसेस में। नेक्स्ट संभावना, ये आपका डिफेंसिव मार्स, यह उभरा हुआ हो, मतलब वेल डेवलप्ड, और यहाँ पर एक दो खड़ी रेखाएं हों जैसे यहाँ दिखाई दे रही हैं, तो जीत पक्का होगी। ऐसे ही तीसरी संभावना, यदि आपकी हथेली पतली है, यानी अक्सर अधिकतर जो पर्वत हैं वो दबे हुए हैं, तो हार की बहुत संभावना। यदि सारे पर्वत अधिकतर उभरे हुए हैं, हथेली भारी है, तो आपको कोर्ट कचहरी में विजय जरूर मिलेगी। एक और संभावना देखिए, ये आपकी भाग्य रेखा। यदि भाग्य रेखा जिस समय फैसला आना है उस समय मोटी है, समझिए ये 56 के बाद ये भाग्य रेखा थोड़ी मोटी है, तो 56 से लेकर 65-66 तक यदि फैसला आता है तो वो विपक्ष में आएगा। यदि 65 के बाद यह रेखा थोड़ी पतली हो गई है, स्पष्ट हो गई है, अगर 65 के बाद फैसला आता है तो हमारे फेवर में आएगा। आगे चलिए, लाइफ लाइन जहाँ पर अशुभता लिए हुए है, यहाँ देखें तो ये तकरीबन 55-65 तक अशुभता लिए हुए है, ऊपर स्लैंड भी कर रही है वो भी अशुभता, लेकिन तकरीबन 65 के बाद लाइफ लाइन स्पष्ट होती जा रही है। यदि 65 के बाद फैसला आता है तो उसमें विजय की प्रबल संभावना। ऐसे ही यदि आपके अंगूठे पर फिंक्स आई स्पष्ट है, शुभ, तो कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आएगा। यदि हथेली पर कहीं भी कोई फिश बनी हो, पर्वतों पर, रेखाओं पर नहीं, तो पक्का मानिए जीत आपकी होगी। ऐसे ही यदि आपका जुपिटर गुरु पर्वत अच्छा उभार लिए हुए है, वेल डेवलप्ड, और वहाँ पर ये
एक सीधी खड़ी रेखा हो, एक्सलेंट लेती हुई लाइन ऑफ एम्बिशन, यह कभी आपको डिफेम नहीं होने देगी। ये भी इशारा कर रही है कि कोर्ट कचहरी में आपको जीत जरूर मिलेगी। ऐसे ही जिस टाइम फैसला आ रहा है उस टाइम आपकी जो सूर्य रेखा है ना, वो बिल्कुल स्पष्ट है। माल्य फैसला आ रहा है 48 के आसपास, तो 48 में आपकी सूर्य रेखा बिल्कुल स्पष्ट आपको डिफेम नहीं होने देगी। फैसला आपके पक्ष में ही आएगा। तो ये कुछ संभावनाएं कि फैसला हमारे पक्ष में आए, इस प्रबल संभावना के तथ्य कुछ संजोग हमने हथेली पर देखने की कोशिश की। मेरे पूर्ण विश्वास आपका ज्ञान अर्जन जरूर हुआ होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।